Hello and welcome to all of you in this channel. Here I am going to tell you the interesting topics of Jammu and Kashmir Board of School Education syllabus. जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो, मैंने एक चैनल बनाई है जिसमें मैं सारे टॉपिक्स जम्मू कश्मीर बोर्ड के एनसीईआरटी बुक्स में जो भी आते हैं वो क्लियर करके दूंगा, चाहे वो 8th क्लास से 12th क्लास तक कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, साइंस बुक्स हो, मैथ्स बुक्स हो, कोई भी बुक हो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अभी मैंने शुरू किया है तो आज मैंने 10th क्लास का यूनिट 1 जो उसका फिजिक्स पोर्शन से है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से लिया हुआ है। मेरी चैनल का नाम एनसीईआरटी गाइड है। जी हाँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, मटेरियल अच्छा लगे तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और घंटे का बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट मिल सके। जी हाँ, चलो शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे 10th क्लास की फिजिक्स वाली जो बुक है, जो साइंस वाली बुक है, उसमें पहला जो पोर्शन है वो फिजिक्स पोर्शन है। उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि सिलेबस पे हमें पूरी नज़र रहनी चाहिए। जो पहला उसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट लेसन है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चौथा जो यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और लास्ट वन जो फिजिक्स वाले बुक में है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। जी, शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये तीन चीज़ें हम ले रहे हैं यहाँ पर, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो हमें लाइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और हर किसी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले हम अगर हम लाइट लेंगे तो हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। दूसरी बात, ये लाइट होती क्या है, व्हाट इज़ लाइट। थर्ड थिंग, लाइट किससे बनी हुई होती है। और चौथवी जो बात है लाइट के बारे में, वो हमें पता होनी चाहिए कि विजिबिलिटी हमें कैसे मिलती है लाइट से। चलो शुरू करते हैं। एम, हम जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमें जो ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमें क्या क्लियर होना चाहिए। इन दिस टॉपिक वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे इस यूनिट में। और बेसिक कंसेप्ट इनके पीछे क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनके पीछे कौन सा कंसेप्ट है और इनसे कौन से बेनिफिट्स हैं और हम इनसे क्या क्या यूज़ ले सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ लाइट, जो लाइट का बेसिक कंसेप्ट है वो इस वाली जो आपके सामने ये पेज है, चाहे आप इसको नोट करने के लिए स्टॉप भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, तो वो कंसेप्ट इधर छुपा हुआ है। ए फोटॉन इज एन एनर्जी पार्टिकल दैट हैज़ नो मास एंड मूव्स एट द स्पीड हाई स्पीड इन मैनर ऑफ स्पीकिंग। अगर हम मतलब बातों बातों में कहेंगे तो ये क्या होता है, फोटॉन, मैंने कहा कि ये एक एनर्जी पार्टिकल है जिसका कोई मास नहीं होता है और इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। पहले मैं फोटॉन की बात कर रहा हूँ, अभी लाइट का कंसेप्ट यही से जनरेट होने वाला है। फोटॉन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सिनोनियमस, मतलब ये जो हमारे पास, मैंने दो वर्ड्स यूज़ किए, एक तो फोटॉन्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों चीज़ें एक ही है। अगर आप ये दो चीज़ें समझने के लिए, हमें पता होनी चाहिए व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हाट आर फोटॉन्स, तभी जाके हमें लाइट का कंसेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पर आप मतलब इन एवरीडे टर्म्स दे आर सिंपली रेफर्ड टू एज लाइट। जैसे फोटॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दोनों चीज़ों को, अगर ये दोनों चीज़ एक ही है, इन दोनों चीज़ों को ही हम लाइट कहते हैं। पहले हमें ये दोनों चीज़ें सीखनी है, फोटॉन्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। फोटॉन्स कैन बी थॉट एज पार्टिकल्स ऑफ लाइट। अगर हम सोर्स से कोई भी लाइट आ रही है, जैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन, वहाँ से कोई भी मतलब लाइट आ रही है हमारे पास, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पैकेट्स में आती है। उन पैकेट्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली. ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर पढ़ोगे उस वक्त आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. फोटॉन्स का कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर किया है. एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अ लाइट वेव. इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लाइट वेव कहते हैं. कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं. वट इज़ डेफिनेशन ऑफ लाइट? द नेचुरल एजेंट. लाइट क्या होती है और लाइट की डेफिनेशन क्या है? द नेचुरल एजेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. कोई भी चीज़ जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये एनर्जी ही है. दैट स्टिमुलेट साइट, जो हमें चीज़ें दिखाता है. एंड मेक्स थिंग्स विजिबल एंड एन एक्सपेंशन इन समवनस आइज इंडिकेटिंग ए पर्टिकुलर इमोशन. जैसे कि हम कोई भी चीज़ देख पाते हैं, ये हम खाली देखते हैं बिकॉज ऑफ लाइट. और लाइट क्या है? लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ लाइट. लाइट किससे बनी होती है? लाइट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकुलर नेचर एंड बोथ वेव नेचर. जो इसका पार्टिकुलर नेचर है वो डिफ्रैक्शन और इंटर वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन होता है. नीचे वाले पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए. जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन होता है, और जो वेव नेचर है लाइट का वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन होता है. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आगे जाके हम इसी में क्लियर करने जा रहे हैं, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये आपको 11th 12th में मिल जाएगा. वहाँ पर आपको इनके कंसेप्ट एक्सप्लेन हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि लाइट को वेव नेचर भी होता है और ये नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर. सो वी कॉल्ड लाइट एज ड्यूअल नेचर. आगे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन अब क्या होती है? अब हम मेन टॉपिक लाइट का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद रिफ्लेक्शन पे पहुंच गए हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट. अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर सोर्स से लाइट गिरती है, मान लो कोई भी बुक हो, कोई पेन हो, उस पर अगर लाइट गिरती है तो लाइट के जो पार्टिकल्स है, लाइट के जो रेज है वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाते हैं. मतलब जैसे हम किसी गेंद को नीचे फेंकते हैं, वो वहाँ से बाउंस होती है, किसी दूसरी जगह पहुँच जाती है. उसी को बाउंसिंग बैक कहते हैं, उसी को हम लाइट के टर्मिनोलॉजी में रिफ्लेक्शन कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. और हमारे डे टू डे लाइफ में दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन पाए जाते हैं. एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन दूसरा हुआ. रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जहाँ पर लाइट सोर्स से आने वाली लाइट, जो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, जैसे सारे रेज पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल चलती है, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को टकराने के बाद फिर से पैरेलल ही निकले वहाँ से बाहर, तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. मैं अभी डायग्रामेटिकली भी सिखाऊंगा, अभी आप इतना याद रख लीजिए. इनकमिंग रेज आर पैरेलल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. अब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वो वाली रिफ्लेक्शन होती है जिसमें इनकमिंग रेज आर पैरेलल बट डिफ्यूज्ड रेज जो वहाँ पर से रिफ्लेक्टेड रेज जो होते हैं वो दीज आर नॉट पैरेलल. जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, दे आर स्कैटर्ड. और ये सब चीज़ें हमें कहाँ कहाँ, जैसे किसी भी रफ सरफेस पे है लाइट गिरती है तो वहाँ पर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है. यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिखाया है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की डायग्राम है फर्स्ट वन, और ये इरेगुलर की. जैसे आने वाली पैरेलल बीम, फिर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो वहाँ से पैरेलल नहीं है, और इस वाली में पैरेलल आने वाली भी और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, और इस वाली में आने वाली रेज पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन ये है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ये समझ आता है. वीडियो तो लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इसको आज के टॉपिक को यहीं पर पॉज करेंगे. Hope you have enjoyed the video. Please don't forget to subscribe, hit the like button and comment me about the recommendations that you want in my videos. Press the bell icon to never miss an update from my channel. Okay, thank you. Have a nice day.